होगी वो मेरे घर में होंगी। तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी ना कैंगरू? तुम्हें पता है मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त। हाँ हाँ, तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा है, मैं जानता हूँ। ये ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही है छोटे साहिब? हाँ? दादी जान, आप दरवाजा खटखटाए बगैर ही अंदर आ गई। ओह ऐसी बात है, मैं दोबारा आती हूँ। नॉक नॉक छोटे साहिब। जी आ जाए। अगर आप इजाजत दे तो हम आपके लिए नाश्ता बना ले, बताइए हमें। जी हाँ बना ले। भाई को भी उठा दूं क्या? नहीं सोया रहने दो उसे, देखो कैसे सुकून से सो रहा है। इसके लिए मैं नाश्ता बाद में तैयार कर लूँगी जब उठेगा ये, ठीक है ना? ठीक है, नाश्ता बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया, मजे से खाओ मेरी जान। आज का क्या प्लान है? आज मैं सारा दिन घर पे ही खेलूंगा। मेरे सब खिलौने चाहते हैं कि मैं उनके साथ खेलूं। फिर थोड़ी देर तक बाहर जाऊंगा एवनी और तोना से मिलने। माशाल्लाह, प्लान तो नया बना है शायद। मैं यहाँ बैठकर किताब पढ़ूंगी। जैसे ही भाई उठे मुझे खबर करना, मैं उसके लिए नाश्ता बना लूंगी, ठीक है ना? ठीक है दादी जान। इस बार हम एक बहुत अहम मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग का हेड मैं हूँ। मैं एक एक करके सबकी बात सुनूंगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग जान। तुम नाश्ता कर रहे हो क्या? मैंने और दादी जान ने कर लिया है। आपको नहीं उठाया क्योंकि आप अच्छी नींद सो रहे थे। अभी दादी जान से कहता हूँ आपके लिए भी नाश्ता बना दे। दादी जान, दादी जान, दादी जान कहाँ हैं आप? दादी जान, दादी जान, हाँ? हमेशा की तरह किताब पढ़ते हुए दादी जान सो गई थी। पहले तो मैंने सोचा मैं उनको उठा दूँ, फिर सोचा कि रहने देता हूँ। मुराद भाई। बोलो जान। दादी जान तो सो गई हैं, मैंने उनको नहीं उठाया। ठीक है। दर्द हो रहा है क्या? जब थोड़ा सा मूव करता हूँ तो होती है। तो फिर आप हरकत ना करें ना। हरकत किए बगैर कैसे रह सकता हूँ मैं जान? डॉक्टर अंकल ने कहा था कि आप लेटे रहो, फिर थोड़ा सा उठो, फिर लेटे रहो, तो फिर ठीक हो गया आप। उफ, बहुत खारिश हो रही है। मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊँ क्या? तुम कैसे नाश्ता बनाओगे? मुझे एक ग्लास दूध ला दोगे प्लीज? अभी आपकी खिदमत में दूध पेश करता हूँ जनाब। भूख लगी है मुझे तो। मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे क्या? ठीक है सर, अभी लेके आता हूँ। वो ब्रेड भी लेकर आओ तो। ठीक है, मैं अभी लेकर आया। ब्रेड आ गई। थोड़े से टमाटर भी ले आओ तो बहुत मजा आ जाए। दूध भी खत्म हो गया है। एक ग्लास और ले आओगे क्या जान? हाँ? बहुत शुक्रिया जान। कोई बात नहीं भाई। थोड़े से फ्रूट्स भी ला दो मुझे जान, मजा नहीं आया। क्या? नहीं रहने दो, अभी मुझे जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद ले आना।
मैं भी खेलूं क्या? पकड़ो। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। बहुत मजा आ रहा था। जान। 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 अप। चलो। जान। कहाँ पर हो तुम? ये लो। खेल में इतना मसरूफ हो गया कि भाई की आवाज ही ना सुनाई दी। फिर अचानक से मुझे भाई का ख्याल आया। दोस्तों मैं घर जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही तो आए हो। मैच खेलते हुए भाई को चोट लग गई। अभी घर पर आराम कर रहे हैं। कुछ चाहिए होगा उनको। ठीक है अभी तुम जाओ। ठीक है अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। भाई क्या हुआ आपको? गिर गया मैं जान। भाई अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप बेड से उतरे क्यों? क्या जरूरत थी आपको चलने की? पानी पीना था, क्या करता। तुम्हें इतनी आवाजें दी लेकिन तुमने सुनी नहीं। हाँ? क्या आवाज दी आपने? हाँ बिल्कुल, बहुत आवाजें दी। वो भाई मुझे माफ कर दें। दोस्तों को बाहर गार्डन में खेलता हुआ देखा तो मैं भी चला गया। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि मैं अब चल पाऊंगा लेकिन नहीं चल पाया। पानी लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ बिल्कुल, अभी लेकर आया। उस दिन जब तक दादी जान नहीं उठी तब तक मैं भाई के पास ही रहा। और भाई को भी खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। दादी जान अभी भी सो रही हैं। हमेशा किताब पढ़ते हुए ऐसे ही सो जाती हैं ये।